बीते कई महीनों से बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता परेशान है। ये जो बढ़ती महंगाई की लिस्ट में, उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है पेट्रोल और डीजल का, क्योंकि आयात निर्यात सब कुछ इसी से होता है। ऐसे में लोगों के लिए ये महंगाई काफी दिनों से सिरदर्द बनी हुई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए जान की आफत है ये बढ़ती महंगाई। हाई महंगाई, हाई महंगाई, बस यही सुनने के लिए मिल रहा है। आम जनता त्रस्त है। हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से घर का बजट करीब 10% बढ़ गया था। आने जाने का ही नहीं बल्कि माल ढुलाई महंगी होने से सब्जी और खाने पीने के अन्य सामान के साथ रोजमर्रा के कई उत्पादों के दामों में उछाल दिखा गया। लेकिन शनिवार रात लोगों को राहत मिली है। ये रात राहत लेकर आई है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में वैट कम होने की वजह से ईंधन के दामों में कटौती हो रही है। केरल के बाद अब राजस्थान में भी वैट कम होने के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने जा रहे हैं। तो इन महीनों में तेल के दाम बढ़े घटे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं आम आदमी के मन में, क्योंकि एक आम जनता का घर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने से नहीं चलेगा, बल्कि बहुत कुछ है जिससे आम जनता का घर चलता है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है रसोई। क्या वहां भी कुछ राहत मिलेगी? खुदरा महंगाई कुछ कम होगी? क्या आटे, दाल, चावल, खाना बनाने का तेल, इन सब के दाम भी कम होंगे? क्या रसोई गैस सिलेंडर पर भी कुछ छूट मिलेगी? क्योंकि असल में राहत तो इन तमाम चीजों पर दाम करने के बाद ही मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल सस्ते होने जा रहे हैं। उत्पाद शुल्क में कमी के बाद राज्य में पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर दिया गया है 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर की कमी होगी। राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कारण राज्य सरकार पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम करेगी। इससे राज्य में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, इससे राज्यों को करीब 1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि होगी और आमजन को इसका लाभ मिल सकेगा। पूर्व में दो बार की गई वैट की कमी से राज्य को 6300 करोड़ की राजस्व हानि हुई थी। आज की कटौती को जोड़कर राज्य को करीब 7500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की राजस्व हानि हुई। दूसरी ओर केरल सरकार ने भी पेट्रोल पर 2.41 रुपए और डीजल की कीमतों पर 1.36 रुपए की राहत की घोषणा की, जिससे राज्य की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की कटौती की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस कदम से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देने का लाभ दिया। इसके तहत योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी देने के फैसले से लाभार्थियों के बजट में काफी आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए आम जनता प्राथमिकता में है। उत्पाद शुल्क में कटौती के आज के फैसले से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक असर होगा, साथ ही हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दाम करने के पीछे का क्या कारण रहा है। 5 कारणों से घटाए दाम: बढ़ते तेल के दाम, खुदरा और थोक महंगाई की ऊंची दर, खाद्य महंगाई में तेज उछाल, बैंकों की ब्याज दरों में तेजी, आम आदमी को राहत। किन राज्यों ने दाम घटाए हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। अभी तक यही फैसला लिया गया है इन राज्यों के द्वारा। कहां कितने दाम? महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 2.08 रुपए, डीजल पर 1.44 रुपए प्रति लीटर। राजस्थान, पेट्रोल पर 2.48 रुपए, डीजल पर 1.16 रुपए। केरल में पेट्रोल पर 2.41 रुपए, डीजल पर 1.36 रुपए। अब कुछ राजनीति के पंडितों की माने तो उनके अंदर एक कोतूहल है कि आखिर कहीं एक्साइज ड्यूटी कटौती करने से मोदी सरकार के सामने कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ये भी आपको समझा देते हैं, एक्साइज ड्यूटी में कटौती से कितना बढ़ेगा बोझ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी में इस कटौती की वजह से सरकार पर अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला किया था। तब सरकारी खजाने पर 1,20,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा, यानी कि इन दोनों कटौतियों को मिलाकर सरकार के खजाने पर 2,20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
विनिवेश का लक्ष्य हासिल करना बड़ी चुनौती। LIC में अपनी हिस्सेदारी भारत सरकार जरूर बेचने में सफल रही है, लेकिन बाजार की मौजूदा स्थिति और LIC के प्रदर्शन ने अन्य विनिवेश की योजनाओं पर कुछ महीने के लिए गहन जोर लगा दिया। वही LIC में भी सरकार ने 5% के बजाय 3.5% हिस्सेदारी को ही बेचा है। बीते 3 साल के पैटर्न पर नजर डालें तो सरकारी कंपनियों में पैसे जुटाने के मामले में सरकार को बहुत सफलता नहीं मिली। बीते वित्त वर्ष सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, जो कि बाद में घटाकर 78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी सरकार के प्रयास के बाद भी सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए निवेश बहुत उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस साल के विनिवेश का लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए है, जिसका एक तिहाई हिस्सा हासिल कर लिया गया। वही बचे हुए लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पवन हंस, BPCL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और ITC जैसी कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रयास करेगी। सब्सिडी का संभेगा भार। ऐसे समय में जब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है और निवेश के तय लक्षणों को हासिल करने में मुश्किल खड़ी हो रही है, तभी सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार सब्सिडी का बोझ संभाल पाएगी। केंद्र सरकार के मंत्री सदन से लेकर सड़क तक पेट्रोल डीजल से वसूली जाने वाले एक्साइज ड्यूटी के कलेक्शन के बचाव में कहते थे कि इसका लाभ गरीबों को हो रहा है। सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा सब्सिडी देने में जाता है। शनिवार को सरकार ने 9 करोड़ उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को 12 सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी का लाभ दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि नई सब्सिडी के अलावा पुरानी सब्सिडी का बोझ के तले कहीं विकास की योजनाओं की कुर्बानी तो नहीं दी जाएगी। सरकार के द्वारा दी जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं पर सब्सिडी योजना वित्त वर्ष 2023 पिछला जो है वो वित्त वर्ष 2021-22 वो भी आपको समझा देते हैं। खाद्य सब्सिडी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। अब सवाल यह है कि वैश्विक संकट के बीच फैसला कितना सही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया भर के बाजार में संशय के बादल छाए हुए हैं। जो एक तरफ दुनिया भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कई देशों के सामने संकट गहरा है। श्रीलंका की मौजूदा स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में जब विश्व भर में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो ये फैसला कितना सही है, ये बड़ा सवाल है। GST कलेक्शन से मिलेगी हिम्मत। सरकार को इस मुश्किल घड़ी में इस कठोर फैसले लेने की हिम्मत कहां से आई, तो उसका एक उत्तर GST हो सकता है। सवाल इसका जवाब GST। GST कलेक्शन के मामले में अप्रैल का महीना सरकार के लिए अच्छा रहा। सरकार ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.68 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन किया। मार्च की तुलना में अप्रैल में GST कलेक्शन 26 लाख करोड़ रुपए अधिक था। तो सवाल था कि आखिर इसका बोझ केंद्र सरकार पर कितना पड़ रहा है, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो घटाए गए हैं, कुछ राज्यों ने इस पर फैसला भी लिया गया है। आगे कौन कौन से राज्य लेते हैं इस पर फैसला, ये देखना होगा। लेकिन कुछ इलाकों में हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, वहां पर आम जनता की राय जानने की कोशिश की है कि आखिर कितनी राहत उन्हें मिली है और आने वाले समय में उनके मन में किस तरह के सवाल हैं। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि आखिर आटा, दाल, चावल, तेल जिससे खाना बनता है, रसोई गैस सिलेंडर, इसके दाम कब कम होने जा रहे हैं। तो आखिर सुनिए क्या कहना है जनता। सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है इससे। तो कितना पेट्रोल आप डलवा रहे हो अभी? 150 रुपये का। पहले कितना डलवाते थे? कितने डलवाते थे भाई? तो जैसा कि और भी लोग यहाँ मौजूद हैं सर, क्या पेट्रोल डलवाने हैं जी? जैसा कि मैं आपको बता दूँ, पेट्रोल काफ़ी महंगा चल रहा था और आसमान के उसने जो है रेट जो है आसमान छू रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल के दामों में जो है कुछ राहत मिली है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा। क्या कहना चाहेंगे, इससे कुछ राहत मिल रही है जनता को? नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि कितने दिन के बाद ये पैसा बढ़े, तब राहत है ना। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर जो है पेट्रोल डालने वाले ही मौजूद हैं सर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। जो बताइए, पहले किस रेट में पेट्रोल डाल रहे थे और अब किस रेट में पेट्रोल डाल रहे हो? 105 रुपये 41 रुपये देता है। अब कितनी राहत मिली है जनता को? जनता बढ़िया कर रही है, नौकरी में फायदा है हमें। कितने रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल? 96 रुपये 73 पैसे। और डीजल के बारे में क्या कहना है? डीजल भी कम हुआ है, डीजल पे कितने पैसे उतरे? डीजल पे मुझे ध्यान नहीं। अब क्या रेट चल रहा है डीजल? अब चल रहा था 89 रुपये 88 पैसे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो राहत मिली है पब्लिक को, ज़्यादा राहत तो नहीं मिली है पब्लिक को, राहत मिली। और की उम्मीद करते हैं आप? और की उम्मीद भी करते हैं, कुछ स्टेट भी इसमें सहयोग करे सेंटर के साथ साथ। आप चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में और कम हो, और भी कई साथी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? 9 रुपये तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कम हुआ क्या फ़ायदा हुआ 9 रुपये से? 70 रुपये हाँ, 70-72 जब तक नहीं आया तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब आप चाहते हैं कि और गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि ये 9 रुपये कम करके 95 का हो गया ना, फिर बढ़ा देंगे अभी 104 से 95 हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि इसके साथ ही और भी हुआ है? सर क्या चाहते हैं आप लोग, और कम होना चाहिए? होना ही चाहिए ये कम, और क्या कर सकता है, थोड़ा कम करते हैं फिर बढ़ा देंगे दोबारा ये है। हाँ, 100 रुपये में 1 लीटर नहीं आ रहा, बताओ गलत बात है। मतलब अगर बढ़ाते हैं फिर
बड़ी संख्या बढ़ाते हैं और अभी पिछले बार भी कम किया था थोड़ा और फिर बढ़ा दिया, फिर तो इन्होंने 105-106 से कर दिया। ये अच्छा डिसीजन है, हम लोगों के बजट में काफ़ी अच्छा फर्क पड़ा है और आगे भी इसको और कम करने की कोशिश करे सरकार, जिससे हमारा नॉर्मल बजट पहले ज़्यादा था वो कम हो जाए और पेट्रोल रेट कम होंगे तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी ना, सारी सब्जियाँ हैं और भी सारी खाने पीने की चीज़ें सारी चीज़ों पर डीजल है पेट्रोल सबसे फर्क होगा। बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि अगर पेट्रोल के दाम में कहीं ना कहीं कमी आती है तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बचता है और उसकी वजह से और भी कई सामान है जो वो भी सस्ते होते चले हैं और भी लोग बातें उनसे ही बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? संदीप निगम। ये पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं कैसा लग रहा है? कितने कम हुए हैं जानकारी? 9 रुपये। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और क्या, एक सरकार ने एक अच्छी पहल चालू करी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से महंगाई पर कोई असर पड़ेगा आपको लगता है? महंगाई कुछ असर पड़ेगा? हीरालाल जी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस तीनों का जो है लगातार जो है कीमतों में इजाफा हो रहा था, लगातार बढ़ोतरी हुई थी, वहीं 200 रुपये गैस पे पेट्रोल और डीजल पे भी जो है रेट कम हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, कम होना भी चाहिए क्योंकि इससे पब्लिक पे आर्थिक तंगी आ रही थी और पब्लिक बहुत परेशान थी। मैं समझता हूँ इससे एक जो है रेट बहुत मायनेस में होना चाहिए ताकि पब्लिक को आर्थिक तंगी ना आए। जिस तरीके गैस की कीमतों में भी कमी की है, घर 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 का जो बजट था वो गड़बड़ा गया था, अब क्या लगता है? गैस के संबंध में तो गैस में तो निरंतर वृद्धि हो रही, जैसे पहले वो हमको क्या कहते देते थे 250-350-450 रुपये का सिलेंडर आता था, अब जो है 800-850। हाँ, सब्सिडी जो देते थे वो तो माइनस ही कर दी, नए से जो है 18 रुपये सब्सिडी आती थी और लगभग 8-10 साल पहले, लगभग 5 साल पहले 450 का सिलेंडर वो अभी 1,040 का भरा जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? इसका फुल रेट आए, कम से कम सिलेंडर 5 रुपये का होना चाहिए जिससे हम पब्लिक पर आराम से इसको डील कर दें। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण जी, जिस तरीके से आप टीवी के निवासी हैं, लगातार पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था, अब जो है रेट कुछ कम हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तो बढ़ा दिए गए, 5 रुपये कम कर दिए गए, क्या फायदा? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार की लापरवाही है या क्या है? GST कम में लागू करी गई थी, GST लगी थी, तो कहने का मतलब ये जो लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं उनमें कमी आनी चाहिए। तो भारत एट 9 में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे एक मुद्दे के साथ, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।